आप लोग थोड़ा आप लोग के पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, फेसबुक ग्रुप होंगे, जितने भी फ्रेंड्स लोग होंगे उन सब के पास ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सब्सक्राइब करवाइए। उसके बाद आगे हम लोग और बताने वाले बहुत कुछ पढ़ाएंगे, अभी बहुत कुछ बाकी है। जितना जल्दी से जल्दी लोग जुड़ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए बेनिफिट होगा, है कि नहीं? तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पुट करने वाला वैल्यू, हम लोग दो के बारे में पढ़ें। इस वीडियो में हम लोग उसी तरह से तीन चीज़ और पढ़ेंगे जो आपको याद रखना है। क्या चीज़? तो देखिए, अगर यदि आपका क्वेश्चन में दे दिया कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यदि एक हो, ये बात दिया हुआ रहेगा, दिया हुआ है तो ठीक है। जैसे ही दिखाई देगा x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू एक, तो हमको बात याद क्या रखना है कि एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगा ना, हमको याद क्या रखना है, एक्स क्यूब का जो वैल्यू होगा आपका, ठीक है, वो माइनस वन के बराबर होगा। बात हमको इतना ही से मतलब है, इतना ही याद रखना, ये बात याद है, आपका बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एकदम। दो सेकेंड तीन सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा सोल्व हो जाएगा। अगर ये बात पता नहीं है तो आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि क्या करें इसमें। और जब पता नहीं चलेगा तो समझ लीजिए कि क्या होगा आपका। तो ये बात जैसे ही दिखाई देगा, हम लोग पहले क्या पढ़े, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू दो है तो एक्स का वैल्यू एक पुट करते थे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू एक नहीं आएगा या माइनस वन नहीं आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन। तो जो क्वेश्चन देगा एक्स क्यूब के फॉर्म में ही देगा, ठीक है ना? देखिए इसमें क्या कहते हैं, बोलिएगा सर आया कहाँ से, तो देखिए कहाँ से आया। हम लोग इसको सोल्व करते हैं, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू एक दिया, इसको एलसीएम लीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स को इधर लाइएगा तो माइनस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ किस में आता है, ये क्यूब प्लस वन का क्यूब कीजिएगा तो ये चीज़ दिखाई देता है। तो इसके जगह हम लोग क्या करते हैं, अपना मन से एक्स प्लस वन दोनों तरफ गुना कर दिए, कोई दिक्कत है जी? दोनों तरफ गुना कर दिए, अब ये क्या दिखाई दे रहा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, एक्स के जगह लिख सकते हैं ना कि एक्स गुना ये वन है, बात बराबर है, वन क्या है, वन का स्क्वायर है। तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फार्मूला हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, और जीरो गुना इतना किया जीरो, यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना गया, प्लस वन इधर है तो उधर जाएगा तो माइनस वन, तो यहाँ से निकल कर आता है ये वैल्यू। हम लोग ये प्रूफ जान लिए, और इसी तरीका से हमको जैसे ही क्वेश्चन में दिखाई दिया एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर वन, खट से दिमाग में आना चाहिए तुरंत एकदम कि एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा मेरा माइनस वन होगा। और क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये दिया ठीक है, ये बात समझ गए, क्वेश्चन ऐसे देगा, ये क्वेश्चन दिया कि x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू एक है, हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है x के पावर 12 प्लस वन बाई एक्स के पावर 12, x के पावर 99 प्लस वन बाई एक्स के पावर 99। तो आप बोलिएगा कि इस तरीका के तो हम लोग नहीं पढ़े हैं सर, पावर 12 वाला नहीं पढ़े हैं, पावर 99 वाला नहीं पढ़े हैं। अगर क्वेश्चन पूछ दिया इसी में कि x के पावर 18 प्लस वन बाई एक्स के पावर 15, यहाँ 18 दिया है, 15 पूछ रहा है, यहाँ 18 यहाँ 15 वाला, तो बोलिएगा कि इस तरीका का हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े हैं तो कैसे सोल्व तो होगा, आखिर सोल्व होगा ना, ऐसा नहीं ना कि दे दिए सोल्व नहीं होगा, सोल्व तो होगा। तो कैसे, यही कंसेप्ट का यूज करना है, जैसे ही क्वेश्चन में दिखाई दिया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू एक है
तो हम लोग एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन के बराबर लेंगे। एक्स क्यूब का वैल्यू कितना लग गया, माइनस वन के बराबर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब में तोड़ दीजिए, ऐसा वैल्यू निकालना रहेगा जो एक्स क्यूब में टूटेगा आपका। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब उसके पावर चार प्लस वन बाई एक्स का क्यूब उसके पावर चार। अब एक्स क्यूब का वैल्यू माइनस वन, माइनस वन के पावर चार यानी इवन यानी प्लस वन, माइनस वन के पावर इवन यानी कि प्लस वन। आंसर कितना, दो। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स के पावर तीन और तैंतीस तीन निन्यानवे, वन बाई एक्स के पावर तीन उसके पावर तैंतीस यानी कि माइनस वन के पावर तैंतीस। ये ऑड नंबर है ना, तो माइनस वन यहाँ से आएगा, यहाँ से भी माइनस वन आएगा, यानी कि आंसर इसका हो जाएगा माइनस टू। यहाँ से देखिए, अठारह को क्या लिख सकते हैं, अठारह को लिख सकते हैं हम लोग एक्स के पावर थ्री के पावर सिक्स, छठी अठारह। पंद्रह को क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर थ्री के पावर पाँच। एक्स के पावर क्यू तो माइनस वन है, तो माइनस वन के पावर छः लिखेंगे। माइनस वन का पावर छः यानी इवन नंबर यानी प्लस वन में बदल जाएगा। और ये कितना, माइनस वन के पावर ऑड नंबर यानी माइनस वन, वन माइनस वन कितना, जीरो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है कि हमको बताइए कि एक्स के पावर बारह प्लस एक्स के पावर नौ प्लस एक्स के पावर छः प्लस एक्स के पावर थ्री, या फिर यहाँ पे कुछ और गुना भी कर देगा, प्लस टेन का वैल्यू कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, इसका हम लोग एक्स क्यूब और इसका पावर कर देंगे चार, कर देंगे कि नहीं। ये हो गया एक्स क्यूब, इसका पावर तीन, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और ये तो दिया हुआ है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है कट रहा होगा। तो देखिए, एक्स क्यूब माइनस वन के पावर चार यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस वन। एक्स क्यूब के पावर तीन यानी ऑड नंबर है यानी कि माइनस वन, यहाँ से स्क्वायर यानी कि प्लस वन, यहाँ से क्यूब है और प्लस टू आगे में है यानी कि माइनस टू, और प्लस टेन यहाँ से है कि नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक से एक कट जाएगा, ये जो है दस एक ग्यारह माइनस दो यानी कि आंसर आ जाएगा नौ। क्लियर। कुछ भी देगा निकल जाएगा, बस याद हमको ये होना चाहिए। ठीक है, बात तो यहाँ से ख़त्म नहीं हो जाती है। कभी कभी क्या करता है, कभी कभी आपसे क्या करेगा कि क्वेश्चन में बोलेगा कि यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर वन है तो एक्स क्यूब का वैल्यू मेरा माइनस वन होगा। लेकिन कभी कभी क्या करेगा ना कि इसका एक स्टेप और बढ़ा देगा और बोलेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू जीरो है, ऐसे दे देगा कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का वैल्यू जीरो है तो एक्स के पावर फलना चिलना जो भी देना है दे देगा, फिफ्टीन प्लस वन बाई एक्स के पावर या फिर थ्री एक्स के पावर ट्वेल्व माइनस फोर एक्स के पावर नाइन, इतना ही दे दिया प्लस कुछ जोर भी दिया, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, इसी का एक स्टेप बढ़ा कर लिखा। तो ये दे बराबर एक या फिर इतना बराबर जीरो दे, दोनों के लिए बात तो वही है कि एक्स क्यूब का वैल्यू हमको कितना लेना है, माइनस वन। क्लियर। तो माइनस वन है तो माइनस वन के पावर तीन के पावर पाँच हो गया यानी ऑड नंबर होगा ना। थ्री है माइनस वन के पावर तीन, यहाँ तीन तो चार हो जाता, यहाँ पे चार है तो माइनस वन के पावर तीन होता, यहाँ पे प्लस टू यानी कि ऑड है तो माइनस वन यहाँ से निकलेगा, ये प्लस तीन निकलेगा, यहाँ से माइनस वन निकलेगा, माइनस पहले से भी है यानी कि प्लस फोर, प्लस टू आगे से दिया है, चार दो छः तीन नौ में से एक जाएगा, आठ आंसर देना होगा।
कुछ परेशानी है? परेशानी नहीं है तो थोड़ा वीडियो को भी इधर उधर भेजते रहिए, और परेशानी है तो नहीं भेजिए। अब देखिए, इसी का एक और रूप है, कैसे? अगर दे दिया, यहाँ पे प्लस वन दिया था, अगर देगा कि नहीं, प्लस वन नहीं है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन देगा तो हमको क्या करना है? सेम कंसेप्ट, इसको इधर लाइएगा तो एक्स क्यूब का वैल्यू जो आ जाएगा प्लस वन के बराबर आ जाएगा, क्योंकि इधर बनेगा आपका क्या, देखिए इतना बराबर इतना दिया है तो एक्स क्यूब का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, वन के बराबर। समझ रहे हैं ना, ये सब याद करने वाला बात है, सब दिमाग में रहना चाहिए, जैसे ही दिखाई दे खट से आना चाहिए दिमाग में ये बात, क्योंकि हर बार हम लोग एग्जाम में प्रोसेस नहीं लगाएंगे उतना सारा कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे। इसका प्रूफ सेम उसी तरह हो जाएगा, हो जाएगा नहीं होगा तो जल्दी से देख लीजिए एक मिनट में, इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना, देखिए या तो इतना बराबर इतना देगा या फिर दे सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो भी हमको क्या लेना है कि एक्स क्यूब का वैल्यू एक के बराबर लेना है। समझ रहे हैं ना, एक्स का वैल्यू एक के बराबर नहीं लेना है, एक्स क्यूब का वैल्यू एक के बराबर लेना है। कैसे? इसमें हम लोग गुना कर देंगे किससे, एक्स माइनस वन से जीरो, एक्स माइनस वन से करेंगे तो ना ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई क्यूब का जीरो, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना, वन के बराबर। बात समझ रहे हैं, तो ये चीज़ देगा, और इसमें भी उसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बना दिया आपसे कि एक्स के पावर, अब देखिएगा एक्स के पावर यहाँ पे दे दिया आपसे कितना, चलिए बारह दे दिया, प्लस वन बाई एक्स के पावर यहाँ पे भी बारह दे दिया, तो क्या करेंगे, एक्स क्यूब इसको तोड़ देंगे ना, ब्रेक करेंगे तो एक्स के पावर तीन में हमको तोड़ना है, क्योंकि एक्स के पावर तीन का वैल्यू पता है, तो तीन से चार यहाँ बचेगा, यहाँ पे भी तीन से क्या बच जाएगा, चार बच जाएगा, तो वन के पावर चार, कुछ भी वन के पावर कीजिए वन, यहाँ से भी वन यहाँ से भी वन, आंसर आ जाएगा कितना, टू। तो बात इतना ही से हमको सिखाना नहीं है, हमको क्या करना था इसमें, हाँ तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन में दिखाई दिया कि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर माइनस वन दिया है तो दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि एक्स क्यूब बराबर एक होगा, एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो एक के बराबर होगा, नहीं तो देखिए हमको तो इतना पूछा है ये किस पावर, यहाँ पे कुछ पावर है यहाँ पे कुछ पावर है, ऐसा तो हम लोग पढ़े नहीं अभी तक, तो क्या करेंगे कि ये 21 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि तीन के पावर, ये तीन के पावर सात लिख सकते हैं, ये 12 को लिख सकते हैं तीन के पावर चार, अब ये हो गया एक्स क्यू का वैल्यू एक, एक के पावर सात कितना, और यहाँ भी एक के पावर चार कितना, एक, यानी एक के कितना हो जाएगा, दो। यहाँ पे देखिए 99999 है तो तीन से हम लोग इसको करेंगे तो कितना लिखेंगे, इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि तीन से कैंसिल हो जाएगा पूरा, एक्स के पावर थ्री कर देंगे, थ्री थ्री थ्री, प्लस वन बाई एक्स का पावर थ्री का होल थ्री थ्री थ्री, होगा कि नहीं, हमको तो एक्स क्यूब का वैल्यू पता है ना माइनस वन, एक्स क्यूब का वैल्यू पता है वन, तो यहाँ वन रख देंगे हम लोग, तो वन के पावर इतना कुछ भी कीजिए वन, वन का पावर कुछ भी कीजिए वन, यानी आंसर आ जाएगा आपका टू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए एक्स के पावर कितना है चार, बारह, बारह यानी कि तीन का होल फोर करेंगे ना, एक्स को क्या लिख सकते हैं,
एक्स का क्यूब का पावर 4 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स क्यूब का वैल्यू कितना 1 के पावर 4 कितना 1, यानी कि यहाँ से आएगा 4, यहाँ से आएगा आपका 3, यहाँ से आएगा आपका कितना 2, यहाँ से आएगा कितना 1, और प्लस 5 दिया है तो सबको जोड़ देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए 4 में से 3 गया 1, 2 एक 3 एक 4 और 5, आंसर आपका आ जाएगा 9। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप बोलिएगा कि 3 के पावर में तो ये टूट नहीं रहा, हमको तो पता है एक्स क्यूब का वैल्यू, तो क्यूब के पावर में तो टूट नहीं रहा, 3 से तो नहीं टूटेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, एक्स के पावर 10 है तो हमको तो एक्स क्यूब का वैल्यू पता है, तो एक्स क्यूब लिख दिए, इसका पावर जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक ले जाएंगे, 3 का पावर 3 तक जाएंगे, इससे जस्ट छोटा देखेंगे कि छोटा कहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे 3 किया तो एक्स के पावर 9 हो गया, यहाँ तो एक्स के पावर 10 दिया है, तो 10 दिया इसका मतलब कि एक एक्स और गुना कर देंगे, अलग कर देंगे हम लोग, इसको भी सेम उसी तरह से 1/x³ का होल क्यूब 9 हो गया, एक एक्स और बच रहा है। अब एक्स क्यूब का वैल्यू पता कितना है 1, तो 1 का क्यूब कीजिएगा एक ही ना, तो ये हो गया 1, एक लिखिए या नहीं लिखिए बात खत्म, ये भी 1, इसका मतलब कि हमको निकालना क्या था, निकालना था मैंने यही जो दिया है हमको, तो इसका वैल्यू तो दिया ही हुआ है -1, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में भी आ रहा जी, ये देखिए इसको 14 तक जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स क्यूब का पावर 4 तो 12 आ गया, और 2 और बच रहा है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से भी इसी तरह से एक्स का पावर 3 इसका पावर 4 और एक्स स्क्वायर अलग से कर देंगे, एक्स क्यूब का वैल्यू 1, 1 का पावर 4 एक ही, ये लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है, ये भी 1 लिखिए या नहीं लिखिए बात बराबर है आपका। तो मेन रूप से या तो क्वेश्चन ए पूछा या फिर एफ पूछा, बात तो दोनों सेम है, हमको निकालना था ये, लेकिन फाइनली निकालना क्या है ए इसका वैल्यू, तो बताइए पहला क्लास का है कि नहीं बात, फर्स्ट क्लास हम चालू किए थे अलजेब्रा का इस टाइप का, उसी में ना ये बात पढ़े थे एक्स प्लस 1/x का वैल्यू कुछ दिया है तो उसका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कैसे निकालते हैं, के स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर और -2 कर देते हैं, तो 1-2 आ जाएगा -1, आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे 29 दिया है, 29 को भी क्या करेंगे एक्स के पावर 3 उसका पावर 9 यानी 27 तक चला जाएगा, 27 पावर तक तो एक आ जाएगा, और इसमें अभी 2 पावर और बचेगा तो अलग कर देंगे, एक्स स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो वीडियो बैक करके फिर से देखिएगा। हम इसको इसलिए ऐसा तोड़ रहे हैं क्योंकि हमको एक्स क्यूब का वैल्यू ना पता है, तो एक्स क्यूब में ही ना तोड़ेंगे, जहाँ तक टूटेगा तोड़ देंगे, पावर छोटा कर देंगे, तो ये इसका वैल्यू कितना 1 ना, इसका भी वैल्यू 1, यानी हमको मेन रूप से क्या निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू दिया है इतना हमको निकालना है वो, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर -2 कर देंगे, यानी -1 आ जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम लोग वैल्यू याद करने के लिए बताएं कितना 4 गो का, एक्स प्लस 1/x बराबर अगर 2 होगा या एक्स प्लस 1/x बराबर -2 होगा, फिर 2 को यहाँ से बताएं क्यूब वाला का, और एक वैल्यू और याद करना है वो किसका, चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए इसी तरह से सेम कंसेप्ट लगेगा, कैसे अगर एक्स प्लस 1/x का वैल्यू जैसे ही दिखाई दिया कि √3 के बराबर दिया, अगर दिखाई दे कि इफ
एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू रूट थ्री दिया है, तो तुरंत ध्यान में आना चाहिए क्या कि हमको इसमें जो निकलेगा ना एक्स के पावर सिक्स निकलेगा, एक्स के पावर सिक्स का वैल्यू आएगा माइनस वन के बराबर। बोलिएगा कैसे आ गया, तो चलिए देखते हैं कैसे आ गया। इसका हम लोग क्यूब कर देते हैं दोनों तरफ, तो क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस थ्री ए बी, तो ए बी इंटू, देखिए इस तरह से लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहिएगा कि क्या लिख दिए, वन बाई एक्स और इसका क्यूब कीजिएगा तो थ्री रूट थ्री आएगा ना। इसका तो वैल्यू हमको क्या करना है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, इसका वैल्यू कितना दिया रूट थ्री, यानी थ्री इंटू रूट थ्री बराबर में कितना है थ्री रूट थ्री। ये प्लस इधर भी प्लस कट कुट जाएगा कि नहीं, यानी कि ई आ गया, एलसीएम ले लेंगे इसको, तो इतना एक्स के पावर सिक्स प्लस वन बराबर जीरो, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना एक्स के पावर सिक्स बराबर माइनस वन आ गया कि नहीं। तो हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ते जाएंगे, कहाँ से कौन चीज़ आया है, उससे आप लोग का दिमाग थोड़ा बहुत खुलेगा। और याद रखना है हमको ये बात, याद तो हमको ये बात रखना ही है। अब इसी में क्वेश्चन नहीं बना देगा, पावर सिक्स करके कुछ भी बना देगा आपसे, उसके बाद निकालते रहिए। तो पावर को छोटा कर देना है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, कह देगा कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर रूट थ्री है तो, पहला क्वेश्चन इसी में दे दिया कि आप बताइए कि एक्स के पावर अट्ठारह प्लस वन बाई एक्स के पावर अट्ठारह कितना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे दिया कि एक्स के पावर छत्तीस प्लस वन बाई एक्स के पावर छत्तीस इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे सकता है एक्स के पावर तीस प्लस वन बाई एक्स के पावर ट्वेंटी फोर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। यह क्वेश्चन इस तरीका से देगा कि एक्स के पावर सिक्स, एक्स के पावर अट्ठारह माइनस थ्री एक्स के पावर बारह प्लस टू एक्स के पावर सिक्स माइनस फोर इसका वैल्यू पूछ देगा, पूछ सकता है ना। तो कैसे बनाएंगे, जैसे ही यह दिखाई दिया हमको पता किसका वैल्यू हो गया, एक्स के पावर सिक्स जो होगा वो माइनस वन के बराबर होगा। अब बताइए अट्ठारह को हम नहीं ब्रेक करते हैं, कर सकते हैं छः के पावर में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हैं, एक्स के पावर सिक्स और उसका होल क्यूब प्लस वन बाई एक्स के पावर सिक्स इसका होल क्यूब लिख सकते हैं। और एक्स के पावर सिक्स दिया कितना है माइनस वन, और माइनस वन के पावर अगर तीन दिया हो यानी ऑड नंबर, तो यहाँ से माइनस वन निकलेगा कि नहीं, यहाँ भी माइनस वन निकलेगा कि नहीं, यानी कि माइनस वन कितना आ जाएगा माइनस टू आंसर आ जाएगा। यहाँ पे छत्तीस है, छः का छः के पावर छः, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्स के पावर सिक्स कितना है माइनस वन, यानी माइनस वन का पावर छः प्लस वन बाई माइनस वन का पावर छः, तो यहाँ से इवन नंबर है ना, तो ये भी एक यानी दो आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गड़बड़ होगा, यहाँ पे ऑड इवन का कंसेप्ट भी लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए छः लीजिएगा पावर तो उसके पावर पाँच आ जाएगा, यानी कि माइनस वन के पावर फाइव, और यहाँ पे माइनस वन का पावर छः लिए तो चार बचा यानी कि पावर चार, तो ये तो इवन है, तो ये इवन है तो आपका यहाँ से एक आएगा और यहाँ से कितना आएगा माइनस वन प्लस वन, तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक्स के पावर अट्ठारह है तो इसको छः के पावर क्यूब करना पड़ेगा, माइनस
थ्री इंटू एक्स के पावर कितना, छः का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, टू एक्स के पावर सिक्स माइनस फोर। एक्स के पावर सिक्स का वैल्यू तो हमको पता ही है कितना, माइनस वन ना, यानी कि माइनस वन का ऑड, तो माइनस वन यानी माइनस सिक्स, यहाँ से स्क्वायर है तो प्लस बदल जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है माइनस है, इसका मतलब कि थ्री, यहाँ पे माइनस वन यानी माइनस टू और माइनस फोर दिया है, सब का सब माइनस में आ गया, देख लीजिए, नहीं आ गया। तो छः तीन नौ दो ग्यारह चार पंद्रह, यानी आंसर इसका हो जाएगा माइनस पंद्रह। तो बात आप लोग समझ गए होंगे है कि नहीं। तो इतना हम लोग पढ़ें, इसमें मेन रूप से हम लोग क्या जाने, इसमें मेन रूप से जाने यही कि जो भी स्क्वायर क्यूब वाला पढ़े तो पढ़े ही, लेकिन हम यहाँ पे पांच चीज पढ़ा है जिसका वैल्यू आपको देखते ही याद आना चाहिए, बोले कि नहीं। क्या क्या, पहला नंबर बताएं कि अगर दिया हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसका वैल्यू अगर दिया है कितना, दो, तो हमको एक्स का वैल्यू कितना लेना है, वन, पहला बात। दूसरा बात, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर माइनस टू दिया है तो एक्स का वैल्यू हमको कितना लेना है, माइनस वन लेना है ना। तीसरा बात, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू यहाँ से वन दिया है तो हमको यहाँ से क्या पता चल जाता है कि एक्स क्यूब का वैल्यू जो होगा माइनस वन के बराबर होगा, एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो माइनस वन के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं। चौथा बात कि अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू माइनस वन दिया है तो हमको एक्स क्यूब का जो वैल्यू आएगा वो एक के बराबर आएगा, आएगा ना, क्लियर। पांचवा बात इसी में पढ़े कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू अगर रूट थ्री दिया है तो यहाँ से किसका पावर आएगा, तो एक्स के पावर हमको सिक्स का वैल्यू पता चलेगा और वो होगा किसके बराबर, माइनस वन के बराबर। तो मेन रूप से ये पांच को चीज़ जो है ना, ये जो पांच चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट है और यही जो है हमको दिमाग में रखना है, जल्दी अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हर बार प्रोसेस नहीं लगाएंगे, ये चीज़ याद रखेंगे, खट से बनाएंगे क्वेश्चन इस तरीक़ा से, हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा भी दिए। तो यहाँ तक हम लोग इस वीडियो में क्या सिंगल वेरिएबल वाला पढ़ लिए, देख रहे हैं ना, सारा जगह सिंगल है, एक्स है तो एक्स 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 एक्स, ये था तो ये भी था तो बी 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 बी, सिंगल वेरिएबल का कंसेप्ट बने। अगले वीडियो में हम लोग कुछ फार्मूला वर्मूला जो अलजेब्रा में होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो डबल वेरिएबल ट्रिपल वेरिएबल मतलब कि एक से ज़्यादा वेरिएबल का जो क्वेश्चन बनता है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने का प्रयास करेंगे, वो सारा टाइप। और लास्ट में आप लोग इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं तो उसको थोड़ा इधर उधर शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद, ओके।